नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु पहुंचा वर्दा तूफान, 192 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवाएं, दो लोगों की मौत, कई गाड़ियां पलटी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। भारत के खिलाफ एक बार फिर चीन ने अपनाया अड़ियल रुख, एनएसजी और आतंकी अजहर के मामले पर भारत को समर्थन देने से किया इनकार, कई मौकों पर भारत साथ देने का कर चुका है अनुरोध। मुंबई टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हराया, एक पारी और 36 रनों से दी शिकस्त, कप्तान विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। काले धन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, बैंकों पर नजर रखने के लिए करीब 500 ब्रांचों का कराया स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग की 400 सीटियां वित्त मंत्रालय पहुंची। संयुक्त राष्ट्र ने की इस्तांबुल हमले की कड़ी निंदा, हमले में गई थी 39 लोगों की जान, 155 लोग हुए थे जख्मी, यूएन ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बताया गंभीर खतरा। और जयपुर में आयकर विभाग ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मारा छापा, 156 करोड़ 57 लाख की काली कमाई को किया जब्त, बरामद की गई रकम में 138 करोड़ रुपए नए करेंसी में मिले। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।